दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में चेक किया था कि आईओटी का ओरिजिन कहां से हुआ था। आईओटी के ओरिजिन को जानने के लिए हमने उसकी कहानी एक देखी थी, जिसमें हमने शुरुआत करी थी 1982 में से, और उसमें हमने देखा था कि सीएमयू का एक स्टूडेंट था जिसको कोक पीना बहुत पसंद था, और वो कोक पीने के लिए वहाँ जाता था और इश्यूज़ होते थे, लाइन कभी लाइन में लगना पड़ता था, कभी कोक ठंडी नहीं मिलती थी। तो उसने क्या किया था, मशीन को इंटरकनेक्ट कर दिया था एक सिस्टम से, और वहाँ से जो टर्म निकल के आई थी वो आई थी इंटरकनेक्टेड सिस्टम और इंटरकनेक्टेड अप्लायंसेस। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, कुछ समय बाद 1998 में मार्क वाइजर ने टर्म जो कॉइन की थी या एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम सिर्फ आपस में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं, बल्कि वो आपस में सूचना का आदान प्रदान करना, कंप्यूटेशन करना या और भी कुछ चीज़ कर सकते हैं, जिसमें जिसको उन्होंने जो टर्म दिया उसको बोला गया यूबीक्विटस कंप्यूटिंग। इसके बाद बिल जॉय जो थे उनने बोला कि डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन किया जा सकता है। उनने ये टर्म कॉइन करी जो टर्म थी डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन। इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी, जो मेन नाम आया था आईओटी का, वो आईओटी का नाम किसने दिया था, वो केविन एस्टन ने नाम दिया था, जो कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल को उस समय संभालते थे, और ये एक ब्रिटिश टेक पायनियर थे या हैं, अभी भी हैं, और ये को फाउंडर हैं। ये मैंने आपको उस समय नहीं बताया था, ये को फाउंडर हैं ऑटो आईडी लैब, जो एमआईटी में एक लैब है, एमआईटी में एक सेंटर है, और उस सेंटर का नाम है ऑटो आईडी सेंटर। ये उस सेंटर को के भी को फाउंडर रहे हैं, और सिस्को ने जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, और वो बोला था कि ये जो टर्म है, बेसिकली ये टर्म 2008 जो इसका ओरिजिन है वो 2008 से 2009 के बीच का है। तो जब उनने बोला था तो हमने देखा था कि उनने थिंग्स टू पीपल का रेशियो निकाला था, और इस रेशियो के हिसाब से इनने बोला था कि ये जो रेशियो है ये 0.08 है, मतलब बहुत से व्यक्ति पर तो एक भी आईओटी डिवाइस नहीं है, एक भी इस तरह का डिवाइस नहीं है। जब ये 2003 के आसपास में आया था और 2010 तक ये सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हर व्यक्ति के पास एक या उससे अधिक इस तरह के डिवाइसेस थे, इसलिए ये टर्म जो है उनने इंट्रोड्यूस करी थी कि इसका जो ओरिजिन है वो 2008 या 2009 के बीच का है। आज दोस्तों हम जानेंगे इससे जुड़े हुए कुछ मिथ्स या इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो बड़ी ही मतलब कंफ्यूज करती हैं, जैसे कि लोग मतलब कोई पूछता है कि आईओटी और M2M का फुल फॉर्म क्या होता है, मशीन टू मशीन, तो लोग पूछते कि क्या ये एक ही चीज़ है या ये अलग अलग चीज़ है, मतलब है क्या आखिर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आईओटी या M2M, आईओटी क्या होता है और ये M2M क्या होता है, आईओटी और M2M में क्या फ़र्क है या दोनों में क्या समानता है, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम गौर करेंगे आईओटी वर्सेस M2M के बीच। तो हमें समझना पड़ेगा आईओटी की, तो हमने पूरी डेफिनेशन देखी, M2M आपके लिए भी नया टर्म है और हम इसको इसी पे ही गौर करेंगे। तो M2M जो है बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन और डिवाइस के बीच के इंटरेक्शन को पता लगाने के लिए होता है, मतलब ये क्या करेगा यदि दो डिवाइसेज हैं। अच्छा, इसमें भी एक अच्छी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, यदि ये दो डिवाइसेज हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, और डेटा इन और डेटा आउट, इसके लिए M2M का यूज़ किया जाता है। M2M जो होता है वो बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन करवाता है ये मशीन
एंड डिवाइस के बीच में करवाता है। अच्छा, तो मशीन और डिवाइस तो एक ही चीज़ होनी चाहिए, अब मशीन और डिवाइस में क्या फ़र्क है? देखो, मशीन और डिवाइस में मोर और लेस बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं है, लेकिन यदि इसको समझना है तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और इसके इसमें जियो की सिम है, और यहाँ पे एक टावर है। ये टावर क्या होता है, या एंटीना है, और ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसके थ्रू हो रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन एक स्विच ऑफिस में जाती है, स्विचिंग ऑफिस में जाती है, और यहाँ से ये इसके इस ये यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स हैं या सर्वर्स हैं जो इसको हैंडल करते हैं। तो सेंड और रिसीव की जो घटना यहाँ से घट रही है, और ये जो स्विचिंग ऑफिस है जिसके अंदर मेरी मशीन रखी हुई है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ मशीन। और इस तरह के हज़ारों या लाखों मोबाइल डिवाइसेस या मोबाइल्स हैं, इनको मैं बोल सकता हूँ डिवाइस। और सरलता से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वर जो होता है हमारा, या ऐसा सिस्टम जो सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम होता है, इसको हम बोल सकते हैं मशीन। और बाकी जो भी चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई होती हैं, है ना, इसको हम बोल सकते हैं डिवाइसेस। ठीक है, मशीन एक बड़ी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी डिवाइसेस से जुड़ी हुई होती है, ऐसे समझा जा सकता है। तो जो इसका जो M2M का जो काम होता है वो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का होता है डिवाइस और मशीन के बीच में। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये जो इसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये इंटरेक्शन कोई भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू होता है ना। जैसे बेसिकली कुछ भी हम क्लाउड सर्विस यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्लाउड सर्विसेज हैं, ठीक है, सर्वर्स हो सकते हैं, कि इस तरह का कुछ भी हो सकता है। जो M2M का जो मेन काम होता है वो काम क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट हैंडलिंग और उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन, ठीक है जी। और ये जो बेसिकली जो M2M जो टर्म है ना, ये जो टर्म जो कॉइन की गई थी, ये टर्म आई कहाँ से, बेसिकली ये टर्म आई है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स जो थे उन लोगों ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करी थी। तो क्योंकि वो लोग बहुत इस तरह का जो मैंने आपको बताया अभी, तो वो मोबाइल या किसी भी तरह फ़ोन को देखते थे कि STD का कॉल है या लोकल कॉल है या किस तरह की सर्विस व्यक्ति मांग रहा है। तो उसके इसमें क्या होता था कि जो उनकी जो मेन मशीन्स होती थी वो सारी और एक ऑफिस में रखी रहती थी, और डिवाइसेस जो है रिक्वेस्ट करते थे और कम्युनिकेट करते थे। तो इसलिए और ब्रॉडली ये जो टर्म आई ना, ये टर्म वहाँ पर आई, और इन्हें आजकल जो है जो चल रहा है, जो 3G चल रहा है, 4G चल रहा है, LTE चल रहा है, वोल्टेज चल रहा है ना, 5G जो आगे जिस पर काम चल रहा है, तो ये बेसिकली इन सब इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस तरह की चीज़ों पे M2M बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब यदि ये देखा जाए M2M के बारे में, इतना जानने के बाद हम ये चर्चा करें कि क्या M2M और IoT एक ही चीज़ है, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा कि M2M और IoT अलग अलग चीज़ हैं। IoT एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें M2M उसका एक हिस्सा हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि M2M में जो होता है वो सिर्फ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पे इंफेसाइज होता है, जबकि हम जब IoT की बात करते हैं
तो आईओटी के केस में हम बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, जैसे कि थिंग्स टू पीपल, है ना, लोग थिंग्स को से इंटरेक्ट करते हैं, थिंग्स टू एप्लीकेशंस, कभी कभी जो थिंग्स हैं या जो डिवाइसेस हैं वो एप्लीकेशन पर अपना डेटा अपलोड करती हैं या लॉग भेजती हैं, पीपल टू एप्लीकेशन, पीपल टू एप्लीकेशन, अलग अलग फेसेस में हो सकता है पीपल टू एप्लीकेशन, है ना। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा टू ये सेलुलर नेटवर्क पे, जैसे हमारा 2G 3G पे बहुत ज़्यादा रिलाय करता है, ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। ओके, ये इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है, सेलुलर भी हो सकता है, ये 2G सॉरी ये ब्लूटूथ भी हो सकता है, ये RFID भी हो सकता है, ये किसी भी अन्य तरह का कोई भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, इंटरनेट भी हो तो अच्छा है। ठीक है, तो ये आज जो हमने देखा, ये हमने I2C, ये हमने देखा M2M और IoT के बीच का मुख्य डिफरेंस। धन्यवाद दोस्तों।